अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान की टीम ने लास्ट जो अपने मैच मैच खेला है, इससे पहले खेल उन्होंने चेन्नई में भी खेला था, वहाँ पे भी क्राउड सपोर्ट अच्छा था, और अभी उन्होंने जो लास्ट मैच है कोलकाता में खेला है ईडन गार्डन में, वहाँ पे भी खैर क्राउड सपोर्ट बहुत ही अच्छा था। दे वर सच गुड एंड सेंसिबल क्राउड में कहूँगी, सिवाय अहमदाबाद के। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जो भी क्राउड मिला है वो अच्छा मिला है, सपोर्टिव मिला है। और अहमदाबाद में भी खैर, चलो मैं इस बात पे मैं वो नहीं करती कि भाई अगेंस्ट इंडिया था तो देवर सपोर्टिंग देयर ओन टीम, बट काफ़ी ज़्यादा खैर जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ें भी हुई हैं। आप अपनी टीम को सपोर्ट करो, बट नॉट इन दिस वे कि आप किसी दूसरी टीम को डिफेम करो, डिसरिस्पेक्ट करो और इस तरह से हरकतें करो। खैर आपकी मुखालिफ टीम का कुछ भी नहीं किया, वर्ल्ड वाइड आपकी ही बेइज्जती हुई है, जो इंडियन क्राउड ने किया है उन्हीं की बेइज्जती हुई है। बट ओवरऑल बाकी अहमदाबाद, एक्सेप्ट अहमदाबाद, बाकी तमाम क्राउड्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव था पाकिस्तान टीम के लिए, बाबर आजम के लिए स्पेशली। बाबर आजम का क्रेज, बाबर आजम के लिए सब बैनर वो लेके आते हैं, चार्ट्स वगैरह एंड सब। तो थैंक यू सो मच गाइज। हमारे ऑब्वियसली पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स तो नहीं वहाँ जा सके, कुछ इक्का दुक्का कहीं यहाँ वहाँ से ही पहुँचे हैं, तो खैर उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उनकी एक है कि बिग अचीवमेंट है उनकी, बट स्टिल है कि जिस तरह से इंडियन क्राउड सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, तो थैंक यू सो मच। कल भी खैर विजुअल्स आए, रिजवान मोहम्मद रिजवान वॉज ऑफरिंग प्रे ड्यूरिंग द ड्रिंक्स पे ब्रेक, एंड ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ गाने वाने लग रहे होंगे, कुछ नॉर्मल ही किसी की मैं वीडियो देख रही थी, रिजवान वॉज ऑफरिंग प्रे एंड सब है कि उन्हें कैप्चर कर रहे थे, एंड दो चार लोगों ने कहा कि भाई गाने तो बंद कर दो, गाने तो बंद कर दो, बिकॉज वहाँ पे कुछ गाने भी चल रहे थे, एंड ही वॉज मोहम्मद रिजवान वॉज ऑफरिंग प्रे। तो बहुत ही अच्छा खैर गेस्टर था, और दिल खुश होता है इस तरह की जब हम देखते हैं, इस तरह के विजुअल्स देखते हैं तो अच्छा लगता है कि भाई वही बात है कि आपको एक चीज़ होती है ना कि ह्यूमैनिटी होती है रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन्स, एक इंसान की अंदर अपनी इंसानियत होती है, तो वो इंसानियत शो की है कोलकाता के जो भी क्राउड था, और यही एक इंसानियत है कि भाई हर इंसान अपने जो भी उसका दीन है, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो हिंदू मत है, जो भी है उसको फॉलो करेगा, और वो हर एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ में करता है। मुसलमानों के लिए ये है कि भाई एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसमें हमें नमाज़ें अदा करनी है, और उसके बाद हम नमाज़ अदा करेंगे तो हमारी कज़ा कहलाएगी, वो हमारी एक्चुअल जो फ़र्ज नमाज है वो हमारी अदा नहीं होगी, कज़ा नमाज कहलाएगी। दैट्स वाई रिजवान के लिए ये ज़रूरी है, हर मुसलमान के लिए खैर ज़रूरी है कि वो जो दिया गया अल्लाह ताला का टाइम है उसी टाइम पे नमाज अदा करे, दैट्स वाई वो नमाज ग्राउंड में अदा करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन हैं कि रिजवान उसी वक्त ही जानबूझ के करते हैं, तो ये जानबूझने वाला मामला नहीं है। रिजवान क्या मतलब, हर मुसलमान को एक स्पेसिफिक टाइम पे एक नमाज अदा करनी है, और अगर उसका टाइम गुजर जाएगा तो वो कज़ा कहलाएगी और उसका अलग से गुनाह है। तो दैट्स वाई जो मुझे लगा, खैर इस वजह से शायद हमारे जो भी हिंदू भाई बहन हैं वो थोड़े से ऑफेंड होते हों कि भाई ग्राउंड में क्यों करते हैं, तो भाई एक टाइम होता है जिस जो अगर ग्राउंड में है या आप कहीं पर भी हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको भाई वहाँ पर नमाज अदा करनी है। तो खैर काइंड एंड नाइस गेस्चर फ्रॉम द कोलकाता क्राउड, एंड मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा है कि हार्ट वार्मिंग मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और खैर बाबर आजम ने भी कहा है, बाबर आजम को भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है, दे ऑल वर चांटिंग बाबर बाबर, एंड इट इज़ रियली होलसम जब कोई हमारे प्लेयर्स को, स्पेशली बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या शाहीन या कोई भी हमारे जो प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं या उनसे मोहब्बत करते हैं, तो ऑब्वियसली दिल हमारा खुद ही 100 गुना बढ़ जाता है उनके लिए। और अगर तो हमारे ही इन प्लेयर्स के साथ कोई गलत करता है तो हमारा दिल उनके लिए, वही बात है कि बहुत ही ज़्यादा नफ़रत भर जाती है, बिकॉज़ वही बात है कि भाई हमारे प्लेयर्स को, हमारे पाकिस्तान को आप अच्छा उनके साथ बिहेव करोगे तो हम आपके साथ अच्छे हैं, और बुरा करोगे तो भाई वही बात है। एनीवेज खैर काइंड गेस्टर, और बाबर आजम की कोई पेंटिंग भी किसी ने बनाई थी, उस पर बाबर आजम ने साइन किया एंड ऑल। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छे विजुअल्स थे बेंगलोर से, सॉरी बेंगलोर में तो अब जाना है कोलकाता से। तो थैंक यू सो मच टू द क्राउड ऑफ ओवरऑल पूरे, एक्सेप्ट अहमदाबाद, बार बार बोलूँगी एक्सेप्ट अहमदाबाद, हर जगह माशाल्लाह पाकिस्तान टीम को अच्छा सपोर्ट मिला, एंड थैंक यू सो मच टू द इंडियन क्राउड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।